अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के विंडो स्टोर एप्लीकेशन ट्यूटोरियल टू में शामिल। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली के मैनेजिंग यूजर इन्फो के अंदर फिंगरप्रिंट्स के हवाले से। सिंस हमें पता है कि विंडो 8 और विंडो 2010 के अंदर आपको टच स्क्रीन की फैसिलिटी ऑटोमेटिकली इनेबल कर दी है, तो जो भी आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसमें फिंगरप्रिंट्स की बहुत अहमियत आएगी। Sometimes user should be in agreement with a particular action such as accessing a restricted resource for authorizing an in-app purchase by making a fingerprint request. अगर आपने उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स लगाई है, बहुत सारी अच्छे ऐप्स पर यू कैन बी आइडेंटिफाई द फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन अलाउज टू इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ दैट। इसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी जो है एनहेंस हो जाती है। For example, fingerprint authentication may be required for authorization of access to restricted resources or in-app purchase. The user consent verifier class. अब इसमें एक बात और ध्यान रखा करें कि जो भी आपको विंडो आपको देता है तो पूरा नाम से आपको बताता है ताकि आपको समझने में दुश्वारी ना हो कि ये क्लास क्या करती है। जैसे यूजर कंसेंट वेरीफायर, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंसेंट से लेनी चाहिए कि इसको वेरीफाई किया जा सके या नहीं। विंडो सिक्योरिटी डॉट क्रेडेंशियल डॉट यू आई नेम स्पेस मैनेजेस दिस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, चेक द डिवाइस फॉर अ फिंगरप्रिंट रीडर। ऑब्वियसली जब आप फिंगरप्रिंट की बात करेंगे, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन का उसी वक्त होगी जब आपके पास बायोमेट्रिक सिस्टम अवेलेबल होगा। मैथड टू आइडेंटिफाई वेदर द सिस्टम हैज अ फिंगरप्रिंट रीडर और नॉट। अगर आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली आप ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते। Through this device for fingerprint authentication, the app still gives an option in setting to enable or disable this authentication. In this following example is shown that a function which checks the current device and return a message with the result by spoken. आपने कोई एप्लीकेशन लगाने के साथ साथ आपने बायोमेट्रिक सिस्टम में अपनी एप्लीकेशन से अटैच कर दिया, तो ये वाला जो प्रोग्राम है ये आपको सिर्फ ये बताएगा कि क्या वो इनेबल हुई है कि नहीं हुई। हमने एक threading dot task dot task के साथ चेक फिंगरप्रिंट अवेलेबिलिटी एक फंक्शन आया, स्ट्रिंग हमने बनाया रिटर्न मैसेज इज इक्वल टू ब्लैंक, क्यों, ताकि हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। इसके अंदर मैसेज एक ही डिस्प्ले आना चाहिए। हो सकता है कि ये आपका कहें डिवाइस इज रेडी टू यूज, योर थंब इज स्कैंड, योर फिंगर आर नॉट करेक्टली स्कैंड, अन इनवैलिड यूज, इस तरह के मैसेजेस तो हमने एक ऊपर वेरिएबल बना दिया। और ट्राई हम किस लिए लगाते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो इससे निकल। चेक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फिंगर प्रिंट ऑथेंटिकेशन, अब आपने अवेट्स विंडो डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रेडेंशियल यूजर इंटरफेस डॉट यूजर कंसेंट वेरीफायर डॉट चेक अवेलेबिलिटी एक इंफॉर्मेशन स्विच। अब इसके अंदर हमने केसेस लगा दिए, पहले तो उसको चेक कर लिया, उसने सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो यूसीवी ऑल से ले ली। ये यूसीवी सी क्या स्टैंड मतलब है, शाबाश, यूजर कंसेंट वेरीफायर ऑल। अब वो जितने भी किस्म के वो सारे चाहिए वो यूसीवी से आ जाएंगे। केस विंडो डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रेडेंशियल डॉट यू आई डॉट यूजर कंसेंट वेरीफाई अवेलेबिलिटी, पहला है केस क्या है, वो पहले आपने स्विच पढ़ा था जी केस जीरो केस वन, बिल्कुल उसी तरीके से ये पहला केस हम बना रहे हैं कि क्या आपके पास डिवाइस अवेलेबल है भी या नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको मैसेज भेज दें कि योर डिवाइस इज अवेलेबल, फिंगर वेरिफिकेशन कर दें और इसको ब्रेक कर दें। अब अगला केस क्या हो सकता है, पहला तो हो गया जी कि अवेलेबल है, दूसरा केस क्या हो सकता है देखें, वेरीफाई अवेलेबिलिटी डिवाइस बिजी, हो सकता है कि आपने दो से ज्यादा लोग जो है एक वक्त में ही यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हो सकता है डिवाइस बिजी प्रोसेसिंग कर रही हो, ऑफ हो या कुछ और नहीं, तो इसके रीजन हो सकते हैं। तो रिटर्न मैसेज है बायोमेट्रिक डिवाइस बिजी। अगला क्या हो सकता है जी, दिस डिवाइस नॉट, जहाँ सी बात है, अब अगर हम इसके साथ ये कोड लगाएं तो हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, डिवाइस ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ डिवाइस। जब हमारे पास डिवाइस नहीं तो हम यूसी भी कैसे कर सकते हैं, जब उस क्लास में देखे हैं तो क्लास जाके देखेगी कि बायोमेट्रिक वीडियो इज अवेलेबल, ऑब्वियसली नॉट कर सकते। अगला क्या हो सकता है, डिसेबल बाय, अब मैनेजमेंट ने इसको बंद कर दिया, और नॉट कन्फिगर्ड यूजर, आप यूजर हैं ही नहीं, और फिंगरप्रिंट इन डिजिटल डेटाबेस आप डालें, मैसेजिंग दे दें। सो आगे चलते जाएं,
तो ये एक तरीका कार है जिसके तहत आपने कैच और एक्सेप्शन लगा के करना। इन दिस कोड द मेथड विंडो डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रेडेंशियल डॉट यूजर इंटरफेस डॉट यूजर कंसेंट वेरीफाई चेक अवेलेबिलिटी चेक फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन डिवाइस। द रिजल्ट ऑफ दिस मेथड इज रन थ्रू स्विच केस एंड एप्रोप्रिएट मैसेज कैन बी शो ए डिवाइस अवेलेबल बिजी डिसेबल्ड जो भी हमें बातें। अब आप डायरेक्ट एजुकेशन पे आए और इसी फिंगरप्रिंट हवाले से मैं वहाँ पे जैसे यही ऐप आपको वहाँ दे रहा है लेकिन यहाँ पे उसने कई चीज़ों को मिस किया है। मैं चाहता हूँ कि आप यही वाली सेम चीज़, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से बता रहा हूँ कि ये MSDN से ही लिया हुआ है। डायरेक्ट एजुकेशन पे भी हमने MSDN को फॉलो किया क्योंकि अभी तक जो बुक्स इसके हवाले से आ रही हैं वो पूरी नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि देन यू कैन सी दैट कि दिस इज अ डिफरेंट वे कनेक्ट टू द पार्टिकुलर एक्शन। यही ज़्यादा प्रोग्राम जो है आपका वहाँ बना हुआ है, यहाँ पे भी वही वाला प्रोग्राम है। अब आप इसको समझेंगे तो पढ़ने में आसानी होगी, आपको कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आ रही। स्विच केस हमने लगाया हुआ है, ये नीचे इसकी ऑथेंटिकेशन आ रही है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो अ मैथड दैट रिक्वेस्ट, यानी आपको मैं बताने का मकसद है कि बुक के और ठीक दोनों सेम है। फॉलोइंग एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट अ मैथड आस्क फिंगरप्रिंट वेरीफिकेशन एंड डिस्प्ले अ मैसेज विद द रिजल्ट। अब ये जो बना है ये वाला रिक्वेस्ट उसको करेगा कि प्लीज गिव योर फिंगरप्रिंट टू वेरीफाई। जब आप उसको करेंगे तो ये एक आपके पास जो पिक्चर है आपकी अभी आ जाएगी। और ये बनाना तो मुश्किल नहीं है, ये वाला कोड इसके पीछे जब आप उसको लगाएंगे यहाँ पे फिंगरप्रिंट को तो स्कैन तो इसके पीछे वो सारा कोड। बाकी तो आपने हेडिंग्स देनी है और ये नीचे बटन लगा देना है, और जब आपने ये बेसिकली रीडर की जगह है, ये इमेज नहीं है, मतलब वो इमेज समझ लें या लाइट, अगर तो एक अलग से बायोमेट्रिक होता तो जिस तरह हमारे यहाँ पे लगा हुआ है तो वो तो लाल से निशान आ रहा होता है ना। लेकिन ऑब्वियसली ऐप के लिए तो आप ये नहीं करेंगे, तो ऐप के लिए आपके पास रीडर जो होगा वो अगर आपने अलग से कहीं भी लगाया होगा, हम तो स्क्रीन टच की बात कर रहे हैं तो वो ऐप वहीं पर आएगा, तो वो अंगूठा उस जगह रखने पर वो ऑटोमेटिकली इनेबल्ड हो जाएगा। तो उसके पीछे जो टास्क लगा हुआ है वो टच वाला लगा हुआ है। अब इसके अंदर भी ट्राई उसी तरीके से मैकेनिज्म है। वेरिएबल कंसेंट इज इक्वल टू अवेट सिक्योरिटी डॉट क्रेडेंशियल स्विच। अब इसके अंदर केसेस हैं, फिंगरप्रिंट हैज बीन वेरीफाइड, द बायोमेट्रिक डिवाइस इज बिजी, बायोमेट्रिक डिवाइस अनेबल टू फाइंड, और डेटा फिंगर नॉट, वही वाले स्विच केसेस हमने यहाँ पे लगा दिए। पहले हमने देखा था डिवाइस इज नॉट प्रेजेंट, अब हम देख रहे हैं कि फिंगरप्रिंट इज नॉट प्रोवाइड। तो दोनों हमें चीजें करनी है, डिवाइस भी देखनी है और फिंगरप्रिंट भी देखना। इसी तरीके से ये मैसेज आ जाएगा, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन कैंसल, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन नॉट अवेलेबल, आपके उसके थ्रेट नहीं है। तो इन दिस कोड द मेथड विंडो डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रेडेंशियल डॉट यूजर इंटरफेस डॉट यूजर कंसेंट वेरीफाई रिक्वेस्ट मैसेज लाइक दिस, और फिर उसके तहत वो परफॉर्म करता है। एक नेक्स्ट और चीज आती है जिसको हम कहते हैं कार्ड यूजर, स्मार्ट कार्ड्स एंड विचुअल स्मार्ट कार्ड्स। डायरेक्ट एजुकेशन पे भी आप आए तो यहाँ तक हमने ये सारी बात की है आपसे, तो ये नीचे तक ये क्रेडेंशियल्स वगैरह मौजूद हैं। ये दो चीज़ें हमारी जरूरत है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आए जरा। शेयरिंग यूजर सर्टिफिकेट, अच्छा वो नीचे आ जाएंगे, चले आगे आए। अब हम आते हैं स्मार्ट कार्ड एंड विचुअल स्मार्ट कार्ड। फॉर द ऐप द स्मार्ट कार्ड एंड विचुअल स्मार्ट कार्ड गिव अ वेरी हाई लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन इन द विंडो डॉट डिवाइसेज डॉट स्मार्ट कार्ड नेम स्पेसेज अ यूजर कैन बी ऑथेंटिकेटेड बाई यूजिंग द APIs। द ऑथेंटिकेशन कैन बी डन बाई गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्मार्ट कार्ड डिवाइसेज managing and using them without requiring a physical smart card from the user. A trusted platform module virtual smart card provides smart card level authentication. Following section show how to access a physical smart card or how to create a new virtual smart card. Following example refer to the Windows 8.1 smart card example. Not only it refer to the new windows.devices.smart card namespace बट ऑल्सो रेफर टू द क्रिएशन ऑफ वर्चुअल स्मार्ट कार्ड, जो कि आपका फिजिकल कार्ड की तरह नहीं होते बल्कि एक वर्चुअली चीज होती है। विंडो डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रिप्टोग्राफी, इसके ऊपर हमने बात की थी
यहाँ पर हर मैसेज जो है वो एक खास किस्म की लैंग्वेज में कोड में कन्वर्ट करता है। एक्सेस कनेक्टेड कार्ड्स रीडर्स एंड स्मार्ट कार्ड्स प्रेस द डिवाइस आईडी। ऑब्वियसली आप इसके लिए आपको भी एक कार्ड रीडर की जरूरत पेश आएगी, वो जब आएगा टू द स्मार्ट कार्ड रीडर फ्रॉम आईडी सिंक्रोनियस मेथड टू क्वेरी फॉर रीडर्स, और इसकी फिर आप कोडिंग नीचे आ रही है। फॉर ईच के साथ उसने रेंडर शुरू किया, लूप लगाया और फिर फॉर्म आईडी एसिंक्रोनियस के साथ उसको रीड करना वापस शुरू। इन दिस कोड मेथड डिवाइस इन्फो डॉट फाइंड ऑल एसिंक्रोनियस मेथड रिटर्न्स ऑल द कार्ड रीडर्स एसोसिएटेड विद द गिवन डिवाइस, देन वी इटरेट थ्रू ईच कार्ड रीडर एंड गेट द एसोसिएटेड कार्ड फॉर द गिवन रीडर। On card insertion by implementing a method to handle app behavior, an app should be allowed to observe the card added event following in the syntax of smart card rules. अब जैसे ये उसने function बनाया, obviously जो code आप देखते हैं तो then code will be available through this thing, आपको उसके तहत मिलते हैं। Creating a virtual smart card. Before creating a virtual smart card using smart card positioning, first the app is required to provide an admin key, name and a smart राजी बात है। आप ATM machine की तो इसे स्मार्ट कार्ड, उसमें भी आप पहले आपसे कोड पूछा जाता है, फिर आपका नाम आता है उसके ऊपर और फिर सारी credentials होती है। The app will also still require to give the admin key and produces an instance of the current smart card policy. इसी तरीके से इसके नीचे आप देखें आई बफर न्यू एडमिन की इज इक्वल टू क्रिप्टोग्राफिक बफर डॉट जनरेट रैंडम और स्मार्ट कार्ड पोजिशनिंग न्यू प्रोविजनिंग इज इक्वल टू वेट। इसी तरीके से नेक्स्ट आप आए हैंडल ऑथेंटिकेशन चैलेंजेस। द ऐप शुड अलाउ द बिहेवियर टू कंप्लीट द चैलेंजेस टू ऑथेंटिकेट विद वर्चुअल स्मार्ट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड्स। द चैलेंजेस बिटवीन द एडमिन की डाटा विल कैप्ट बाय द ऑथेंटिकेशन सर्वर एंड द डाटा स्टोर इन द कार्ड। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी डाटा स्टोर वो कार्ड पे होनी चाहिए, लेकिन जो ऑथेंटिकेशन की है वो आपके सर्वर पे होना चाहिए। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि फ्रॉड में ये तो हो जाता है कि लोग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का अगर पिन नंबर मतलब वो ले लेते हैं, कार्ड के डाटे को उठा लेते हैं, तो वो उसकी से सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं किसी जगह पे स्वाइप करके, लेकिन दे डोंट हैव अ की नंबर जो आपका खसूसी तौर पर होता है जिसको आप बता देता है किसी को नहीं बताना, वो नहीं आपको। आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते। एटीएम अगर आपके पास कार्ड है और वो एक डेबिट कार्ड भी है क्रेडिट कार्ड भी है लेट्स सपोज, तो वो किसी जगह के ऊपर स्वाइप तो हो जाएगा लेकिन पैसे निकालने क्यों, क्योंकि जो की है वो किसके पास है, सर्वर के पास। जबकि डाटा किसकी, इंफॉर्मेशन जो भी हमने बात बताई नेम और बाकी वैलिडेशन वगैरह, वो कहाँ पर पड़ी हुई है, वो कार्ड के अंदर पड़ी हुई है। If challenge is equal to null, if throw argument null exception challenge admin key, और ये सारी जो है आपकी information जो है इस तरीके से code के अंदर store होती है। In this code, the authentication is successful if the admin key generated data on the card is same as the admin key allowed by the server to management tool. यानी कि किसी और की key के ऊपर लग जाएगा, जो key आपका data challenge कर रहा है उसी के मुताबिक admin key होनी चाहिए। अच्छा, वेरीफाइंग वर्चुअल स्मार्ट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स, इट इज क्लियर द लॉजिक ऑफ द, क्या है भी? सबसे पहले कॉलिंग होगी गेट चैलेंज कॉन्टैक्ट एसिंक्रोनस फ्रॉम द स्मार्ट कार्ड पोजीशनिंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्मार्ट एंड बिगिंस द चैलेंज। एडमिन की इज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस और मैनेजमेंट टूल। इफ ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल वेरीफाई रिस्पॉन्स विल रिटर्न टू। सिमिलरली यहाँ तक ये आपका है, क्योंकि अभी तक हम इसकी एप्लीकेशन बनाई नहीं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एप्लीकेशन बनाए, तब आपको ये सारे कोड इकट्ठे करके हम वहाँ पे वन बाई वन डिस्कशन करें। अब यहाँ आ जाएं, ये एक और शुरू हुआ है जिसका नाम है सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन। अच्छा, अब मैं यहाँ से आपको लेके जा रहा हूँ डार एजुकेशन पे, क्योंकि अब आप सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन कहाँ पे है, शेयरिंग यूजर सर्टिफिकेट बिटवीन विंडो स्टोर एप्स। सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट व्हेन ऑथेंटिकेटिंग अ यूजर।
apps that require secure authentication beyond a user ID and password combination can be used certificate for authentication. अगर कंपनी जो चाहती है कि आपकी authentication होगी है, वो आपका user name और password से मिलके एक authentication key बनाए. In some cases, a group of services will want to authenticate a user of multiple Windows Store apps. एक ही स्टोर ऐप नहीं, कई विंडोज स्टोर ऐप्स के ऊपर आप एक ही ऑथेंटिकेशन चाह रहे हैं. दिस क्विक स्टार्ट शोज हाउ यू कैन ऑथेंटिकेट मल्टीपल विंडोज स्टोर ऐप्स यूजिंग द सेम सर्टिफिकेट एंड हाउ टू यू कैन प्रोवाइड कन्वीनियंट कोड फॉर अ यूजर टू इंपोर्ट अ सर्टिफिकेट दैट वाज प्रोवाइडेड टू एक्सेस सिक्योर वेब सर्विसेज. विंडोज स्टोर ऐप can authenticate to a web services using a certificate and multiple Windows Store app can use a single certificate from the certificate store to authenticate the same key. If a certificate does not exist in a store, you can add code to your app to import a certificate from the PFS file. This is why I have said secure login, secure connection. If you go to websites, you have a credit card, you have a sign on there. That was indicating the certificate of that. तो ये साइट आपकी सिक्योर है. व्हाई दिस इज देन? बिकॉज दे आर डूइंग द सेम थिंग. प्रीरिक्विजिट्स कैन बी द क्विक स्टार्ट फॉर सिंपल रिस्पांस ओनली विल बी द माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर. सिर्फ IIS पे ये काम करता है और किसी पे ये काम नहीं है. इसके लिए विंडो 8.1 का होना जरूरी है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का होना जरूरी है, IIS सर्वर का होना जरूरी है. इनेबल IIS एंड क्लाइंट सर्टिफिकेट मैपिंग. ओपन द विंडो कंट्रोल पैनल एंड सेलेक्ट प्रोग्राम. अच्छा जी, कंट्रोल पैनल एंड सेलेक्ट कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल ये नहीं, मैं इसको कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया. ये आपको बताया जा रहा है कि आपने IIS को कैसे कंफिगर करना है. कंट्रोल पैनल आपने करने के बाद आपने नेक्स्ट किस पे जाना है? प्रोग्राम्स पे. आप प्रोग्राम्स पे क्लिक करें, आप साथ में देखेंगे तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन का आपको होगा टर्न विंडोज. अनइंस्टॉल पे लगाए ना, अनइंस्टॉल पे, अनइंस्टॉल पे क्लिक करें. प्रोग्राम के अंदर बहुत अच्छी जी टर्न विंडोज यहाँ पे भी आ रहा है. टर्न विंडो फीचर्स ऑन और ऑफ. आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा. अब इसके अंदर इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर सर्विसेज, ये इसको आप एक्सपेंड कर लें. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एंड देन एक्सपेंड द वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज, ये लेंगे वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज हम खोल लें. अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट फीचर, इसको ओपन कर लें. तो आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे हमें जिस तरह से शुरू से पता है कि .NET जो है उसके कई फ्रेमवर्क्स हैं. चेक नहीं बेटा, इसको प्लस के निशान को खोलो. ठीक है, ये सारे आ गए. मुख्तलिफ किस्म के फ्रेमवर्क्स हैं यहाँ पे, जैसे ASP.NET 3.5 भी आ रहा है, 4.5. मेकिंग दिस सिलेक्शन विल ऑटोमेटिकली इनेबल इंटरनेट इंफॉर्मेशन. अब आप इसको ओके करना चाहें तो देखें ये ऑटोमेटिकली कुछ फाइलों को ओपन कर, आप इसको ओपन कर. अब आप इसको चेंज, आप इस पर क्लिक करें ना ASP.NET 3.5 पे और 3.4.5 पे, कुछ उसने अपने आप ये ओपन कर लेगा. इसको ओके कर दें, ये आपकी अप्लाइंग चेंजेस शुरू कर देगा. ओके किया. जब आप ये कर लें, जब तक ये होता है हम आगे चलते हैं. क्रिएट अ पब्लिश अ सिक्योर्ड वेब सर्विस. इन दिस टैब यू विल क्रिएट अ सिक्योर्ड वेब सर्विस एंड पब्लिश इट टू योर IIS. रन विजुअल स्टूडियो एडमिनिस्ट्रेटर एंड सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट. पब्लिश अ वेब सर्विस ऑन IIS. ऑन द स्टार्ट पेज एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ वेब सर्विस. तो अब आपने जब विजुअल स्टूडियो, अभी मैंने जो चलाया हुआ है वो और तरीके से चलाया हुआ है, आपने इसको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे चलाना है क्योंकि वेब ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी सर्विसेज के लिए जरूरी है. तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें,
और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, मैं इसको चला देता हूँ, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें, ये आएगा भी इसको यस कर दें, आपका ये चलना शुरू हो जाएगा। हमें थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए था, विजुअल स्टूडियो तो हमने स्टार्ट कर दिया, हमें वेट करना चाहिए था कि हमारी ये जो विंडोज फीचर्स हैं वो सारे सारे ऑन हो जाए। आपने देखा कि ये कंप्लीट हो गई, इसको हमने क्लोज कर देना और मैं इसको ऑब्वियसली इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग, चेंज द फ्रेमवर्क टू नॉट डॉट नेट फ्रेमवर्क, सेलेक्ट विजुअल स्टूडियो। अब हमने फाइल में आना है, एक न्यू प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करना है और आपने इसके अंदर से विंडो स्टोर एप्लीकेशन में आना था। ऊपर देखें आप, ये नज़र आ रहा है आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5, आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपने किसको सेलेक्ट करना है, इसमें से आपने डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 को क्लिक कर देना। तो अब ये सारी जो लाइब्रेरीज आपको नज़र आ रही है, दैट वाज फॉर द डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5, विजुअल सी शार्प, विजुअल स्टूडियो, एएसपी डॉट नेट वेब सर्विसेज एप्लीकेशन। ऑब्वियसली आप अभी एएसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं, तो वी विल डू दैट। विजुअल स्टूडियो और फिर वेब, ये ASP.NET वेब सर्विस एप्लीकेशन, नेम द एप्लीकेशन फर्स्ट कंटोसो बैंक, जब आप ये कर लें तो क्रिएट कर दें इसको जनाब, आप इसके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आएंगे तो आपको ये सर्विस वन डॉट ए एस एम एक्स नजर आएगी, इससे मुराद ए एस पी और फिर वेब सर्विसेज एप्लीकेशन। रिप्लेस द डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड वेब मेथड विद द फॉलोइंग लॉगिन मेथड। अब आपने जो वहां पे डिफॉल्ट बना हुआ है हेलो वर्ल्ड का, इसको किससे रिप्लेस करना है, हमने मैं फंक्शन खत्म कर रहा हूँ और मैं आप जरा थोड़ी आसानी के लिए यही वाला अगर कॉपी कर लूँ तो कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, अभी कोडिंग हम इसके डिस्कशन कर लेते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग लॉगिन वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट इज इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट सिक्योरिटी डॉट क्रिप्टोग्राफी डॉट X509 सर्टिफिकेट डॉट X509 सर्टिफिकेट टू और दिस डॉट कंटेक्स्ट रिक्वेस्ट डॉट क्लाइंट सर्टिफिकेट डॉट सर्टिफिकेट बूल टेस्ट इज इक्वल टू सर्टिफिकेशन डॉट वेरीफाई और टेस्ट डॉट टू स्टेप। अब इससे क्या मुराद है, आ जाए सेव द फाइल इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, क्लिक द फर्स्ट कंटोसो ऐप, सेलेक्ट पब्लिश। अब आप यहाँ पे आ जाए और इसको सेव कर लें, ये जी हमने इसको सेव कर लिया, कंट्रोल एस सर्विस वन। अब हमने क्या करना है जी, इन द सॉल्यूशन राइट क्लिक द फर्स्ट कंटोसो बैंक ऐप एंड सेलेक्ट पब्लिश, ये जी फर्स्ट कंटोसो बैंक एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको कहीं पब्लिश नजर आ रहा है, ये पब्लिश करें शायद, आप इसको पब्लिश करिए, आपके सामने एक न्यू खुल जाएगा, दैट वाज़ अ सर्टिफिकेट पब्लिश वेब। अच्छा, इन द पब्लिश वेब डायलॉग क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल एंड नेम इट कंटोसो प्रोफाइल, क्लिक नेक्स्ट। मोर ऑप्शन, यहाँ पे
Azure websites मैंने 3.5 ही लिया था कि नहीं, चेक करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि मैंने, आपने सही आया ना, प्रोफाइल आपकी और आ रही है। यहाँ कंट्रोल शो लिखता कस्टम प्रोफाइल नेम, और इस क्या नाम हमें कह रहा है वो, कंटोसो प्रोफाइल, कंटोसो प्रोफाइल। अब आप देखेंगे तो अगला एक नाइट डाय ऑन द नेक्स्ट पेज एंटर द सर्वर नेम फॉर योर आईए सर्वर and specify site name, default website, first contoso bank, for click publish to publish your website for your IIS. और ये dialog box है server.contoso.com, और site name आपने देना है server maker में IIS होना चाहिए server.contoso.com। हाँ यहाँ पे हम server.contoso.com रख देते हैं, और साइट नेम हम देते हैं डिफॉल्ट वेबसाइट, ये नाम देते हैं server.contoso.com। हाँ, और हमने यहाँ तक काम परफॉर्म करने के बाद इसको क्या करना है, पब्लिश करना है। अब आपके सामने एक नया खुल जाएगा, जब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो आपके सामने एक लॉगिन पेज आ जाएगा वेब डिप्लॉय क्लाइंट के तौर पर। अब ये देखें यहाँ पे दो आ रहे हैं पासवर्ड, कि नीचे वाला आपका सर्टिफिकेट है। लेट्स सपोज मैं डार एजुकेशन पे जा रहा हूँ, ओके, अब ये उसने बिल्ड स्टार्ट किया बगैर उसके आपकी। अब यहाँ देखेंगे वेब डिप्लॉय ऑथेंटिकेशन, ये पैकेज सर्टिफिकेशन ले रहा है माइक्रोसॉफ्ट वेब एप्लीकेशन, एरर डेस्टिनेशन इनवैलिड आपकी ऑथेंटिकेशन। तुम्हारा भी जो लॉगिन आ रहा है तुमने लॉगिन किया हुआ है, इससे दे दो अपना पासवर्ड, तुम्हें याद है तो दे दो वेब ऑथेंटिकेशन से। अगर उसको ऑथेंटिकेशन नहीं मिलती तो वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आगे नहीं जाएगा। अब हमने इसके आगे काम करना, ये तो हमने अभी नहीं लगाया था, अब हमने कॉन्फ़िगर करना है अपना IIS ताकि वो इसको ऑथेंटिकेशन दे सके। जा रहे हमारे पास तो अभी ऑथेंटिकेशन मोड आ ही नहीं रहा, क्योंकि IIS को सर्टिफिकेट जो देना था वो नहीं। अच्छा, रन द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर, अब ये ओपन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ओपन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ये कंटोसो जो है ना लड़ गई, मुझे नहीं ना जा पा रहा, मैं भूल जाता हूँ कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स,
मैं वहां पे कैटेगरी में चल रहा स्मॉल आइटम में हां फिर सब्जेक्ट भी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स इसके अंदर आके हमने इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर अगर आपको नजर ना आ रहा हो आपने टर्न एडिटिंग पे आना है दोबारा और यहाँ पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर पे आने के बाद वेब मैनेजमेंट टूल्स पे भी क्लिक कर दें और इसमें आप आईएएस मैनेजमेंट कंसोल पे क्लिक करके ओके कर दें। नहीं वो तो अलग है, ये आईएएस मैनेजमेंट कंसोल है जिससे कहता आपने जा रहा है। अब आप दोबारा वापस आए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे तो आपकी इंस्टॉलेशन के बाद इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आप डबल क्लिक कर लें तो आपके सामने ये ओपन हो जाएंगे जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये उसका एक कंसोल ओपन हो जाएगा, ये आपके सामने डेस्कटॉप। आप जरा गौर करेंगे कि इसके ऊपर आपको पूरी एप्लीकेशन नजर आएंगी। डॉट नेट ऑथोराइजेशन एएसपी डॉट नेट के लिए, डॉट नेट कंपाइलेशन, डॉट नेट एरर, ग्लोबलाइजेशन, मशीन की पेजेस एंड कंट्रोल प्रोवाइडर्स। कहीं पे आपको सर्टिफिकेट भी नजर आ रहा है कहीं पे? आईएएस में आपको ये सर्विस सर्वर सर्टिफिकेट की बात आ रही है। ओके अब हम आगे चलते हैं अपने पेज की तरफ। हमने आईएएस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने डार एजुकेशन पे रख दी है, ठीक है। लेकिन अभी हम क्योंकि शेयरिंग योर सर्टिफिकेट बिटवीन विंडोज स्टोर एप्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने ये कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो तो प्रैक्टिकली वहाँ पे पड़ेगी। बहरहाल अभी जो करिए, एक्सपेंड द साइट फॉर योर आईएएस सर्वर अंडर द डिफॉल्ट वेबसाइट सेलेक्ट द न्यू फर्स्ट कंटोसो। मेरे ख्याल में ये हमने कर चुके हैं, ठीक है। रन द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर। अब हमने आईएएस को रन कैसे करना है, अभी हमने कंसोल देख लिया लेकिन इसको रन कैसे करना है, इसके लिए नीचे आए आप तो मैंने आईएएस के लिए हाउ टू इंस्टॉल आईएएस पे हमने क्लिक करें। अब मेन पेज पे आके इस बार रिफ्रेश कर लें अपने पेज को, अगर आपने नहीं तो यहाँ पे ये नज़र आएगी। तो ये आपकी ये सारी एप्लीकेशन टर्न विंडो एडिटिंग ऑन और ऑफ, ये आपकी अप्लाई चेंजेस होंगी। तो आपने लोकल होस्ट में आके इसको चेक करना। यहाँ पे आप लोकल होस्ट चला, ये मेरा सॉरी रैम्प चल रहा था, मैं अपने रैम्प मेरा रैम्प तो नहीं चल रहा है। यू कैन सी दैट कि उसने मेरा वैम्प सर्वर चला दिया। आप अपना अगर आपके पास वैम्प मेरे, क्योंकि वैम्प तो ऑन नहीं है मेरे पास, तो उसने लोकल होस्ट जो था वो इसको रन कर दिया। तो आप अपने एक तरफ जाके लोकल होस्ट भी लिखेंगे तो चला रहे हैं। जब आपका इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर चल जाएगा, हमने इसको रन कर लिया है,
अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंड द साइट फॉर योर आईए सर्वर अंडर द डिफॉल्ट वेबसाइट, सिलेक्ट द न्यू कंटोसो बैंक वेब सर्विसेज इन द एक्शन सेक्शन, सिलेक्ट एडवांस सेटिंग्स। अब आपने कहा ना, ये देखें एक साइड पे आपको एक्शन नजर आ रहे हैं, उसमें आपको रीस्टार्ट, स्टॉप और स्टार्ट भी नजर आ रहे हैं। आपने ओपन फीचर्स पे क्लिक कर देना, जब आप ओपन फीचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक साइड के ऊपर आपकी वेबसाइट नजर आएंगी, जैसे ये डिफॉल्ट है, ये ASP.NET क्लाइंट है, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं आपको, ये आपकी डिफॉल्ट वेबसाइट है। तो यू कैन सी द ब्राउज वेबसाइट HTTP और ये सारी सेटिंग्स आ गई। अब हमने ब्राउज कर लिया है अपना एप्लीकेशन पूल, सेट द एप्लीकेशन पूल टू .NET V2.0 एंड फॉर दिस थिंग एप्लीकेशन पूल कहाँ पे है, ये एप्लीकेशन सेटिंग्स, हाँ व्यू एप्लीकेशन, मेरा क्या आ रहा है, मैंने किस पे क्लिक किया, हाँ जी एप्लीकेशन पूल्स। तो इसमें हमने किसको यूज करना है, .NET V2.0 को, ठीक हो गया। अब आगे चले, क्लिक ओके, इसको हमने ओके कर दिया, ये हमारी ओके हो गई। इसके बाद आपने आना है जी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर, सिलेक्ट योर आईए सर्वर एंड देन हमें एन नहीं, एक ही है .NET V2.0 क्लासिक, नहीं ये रहने दे, ऊपर वाला करना है सिर्फ, वो क्लासिक और है। अब हमने बात करनी है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, सिलेक्ट योर आईए सर्वर एंड डबल क्लिक सर्वर सर्टिफिकेट्स। अब आपने ये करने के बाद आपने आ जाना है वापस बैक साइड पे, और सर्वर सर्टिफिकेट कहीं आपको नज़र आ रहे हैं, ये सर्वर सर्टिफिकेट, इसको क्लिक कर दें। यहाँ पे आईए सर्वर एक्सप्रेस डेवलपमेंट सर्टिफिकेट आपके सामने ओपन हो जाए। इन द एक्शन सेक्शन सेलेक्ट क्रिएट सेल्फ साइन सर्टिफिकेट, क्रिएट सेल्फ साइन साइंस सर्टिफिकेट, ये आप करेंगे तो स्पेसिफाई अ फ्रेंडली नेम फॉर द सर्टिफिकेट। एक्शंस के अंदर क्रिएट सेल्फ साइंस सर्टिफिकेट। अब हमें यहाँ पे आ गया एंटर कंटोसो बैंक, आ जाएंगे ठीक है, कंटोसो बैंक दे रहे हैं, कंटोसो बैंक देने के बाद अ फ्रेंडली नेम फॉर द सर्टिफिकेट एंड क्लिक ओके। ओके जी, कंटोसो बैंक लिखना, कंटोसो बैंक दे, आपने जो नाम देना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, नहीं ओके करते हैं। ये एक नया कर देगा और आप ऊपर देखेंगे इशू टू डेस्कटॉप, आपका DN6 जो भी आपका नंबर, ये हर हर एक का अपना अपना, आपका कुछ और आ रहा होगा, आपका इनोसेंट बॉय, मेरा कुछ और है, मेरे सर्टिफिकेट के साथ आएगा जो आपके नाम होगा, तो फिर इशूड बाय जिसने इशू किया, एक्सपायरेशन डेट क्या है, सर्टिफिकेट हैश एक इंक्रिप्टेड, जो हमने आपसे बात की थी ना, इंक्रिप्टेड कोड आपको देता है, ये वाला इंक्रिप्टेड कोड, ये ठीक हो गया, ये क्रिप्टोग्राफी है। सर्टिफिकेट इशू करने के बाद इन द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिलेक्ट द डिफॉल्ट वेबसाइट इन द एक्शन सेक्शन, अब आ जाएंगे डिफॉल्ट वेबसाइट को हम सिलेक्ट, इन द एक्शन सेक्शन सेलेक्ट बाइंडिंग,
आइडेंटिफायर वेबसाइट, और एक्शन पैनल में आके यहाँ पे बाइंडिंग्स पे आ जाएं। तो आपके सामने अब एक नई चीज आ जाएगी, वो है HTTP, होस्ट नेम, पोर्ट, IP एड्रेस। यानी आप जब पूछते हैं कि हम कैसे पकड़े जाते हैं हैकर की तरह से, ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, सर्टिफिकेट, तो उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे। तो साइट बाइंडिंग्स पे आप आ जाएंगे। जब आप साइट बाइंडिंग्स पे आ जाएंगे, देन क्लिक ऐड सेलेक्ट HTTPS, यहाँ पे ऐड फॉर एग्जांपल, यहां से सिलेक्ट करें HTTPS, सिक्योर हो गया। फिर आपने क्या करना है, एज अ टाइप सेट पोर्ट टू 443। अब आपने 443 पे पोर्ट पे हैं। फिर आपने क्या करना है, एंटर फुल होस्ट नेम ऑफ योर IIS सर्वर, सर्वर नेम, डोमेन नेम, सेट द SSL सर्टिफिकेट टू कंटोसो बैंक। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब आपका कंटोसो बैंक आ रहा है। अब आपका जो सर्वर नेम है वो पूरा सर्वर नेम चाहिए, डेस्कटॉप -dn6nukm, ओके कर दिया। तो जो आपका इनोसेंट है, IP एड्रेस, बाइंडिंग इंफॉर्मेशन, और ये HTTPS हो गया। अब आप यहाँ पे साइट्स पे आए तो अब आप देखेंगे कि पूरी बाइंडिंग आपकी आ रही है किसके साथ, वन डिफॉल्ट वेबसाइट, और IIS पे आप आए, व्यू एप्लीकेशन पूल अपनी जगह बन गया है, व्यू साइट्स आपके पास आ रही हैं। इसी तरीके से फिर आप इसको कंफिग फर्स्ट कंटोसो बॉक्स में आएंगे, डबल क्लिक SSL सेटिंग, रिक्वायर SSL यूजर सर्टिफिकेट, सेलेक्ट रिक्वायर इन द, यू कैन वेरीफाई द वेब सर्विसेज कॉन्फिगर्ड करेक्टली ओपनिंग योर वेब ब्राउजर एंड एंटरिंग द फॉलोइंग वेब एड्रेस, HTTPS आपका डोमेन नेम, फर्स्ट कंटोसो सर्विस वन फॉर एग्जाम्पल, एंड देन इट विल बी ऑथेंटिकेटेड। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।